हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा खिचड़ी, जो बहुत ही यमी लगने वाली है। मैंने ये आधा कप रवा ली है, सूजी जिसको बोलते हैं, सूजी ली है, एक प्याज को बारीक काट लिया है, 10 काजू लिए हैं, टुकड़ा काजू है, नमक स्वाद के अनुसार है, 1 चम्मच हमने चना दाल ली है, आधा चम्मच मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने लिए हैं, थोड़ा हींग यूज़ करने वाले हैं, घी यूज़ करेंगे और ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे, एक टमाटर को बारीक काट लिया है, एक गाजर को छोटी मीडियम साइज़ की हमने बारीक काट लिया है धोकर अच्छे से, ये कॉर्न बॉईल कर लिए हैं 1/4 कप है, एक हरी मिर्च को बीच में से तोड़ लिया है, कोकोनट को ग्रेट कर लिया है, ये भी आप देख रहे हैं 1/4 कप पूरा भरा हुआ है, 1 चम्मच अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है, फ्रेश अदरक को, 8 से 10 करी लीव्स ली हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैन को गरम करना रख दिया है हमने और सूजी को हम इसमें ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर करेंगे, हल्के हल्के चलाते हुए, बिल्कुल सिम पर। देखिए, सूजी भुन गई है और आप देखेंगे इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, हमने बहुत धीरे धीरे इसको भुना है ऐसे, और गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसको हम खाली कर लेंगे एक प्लेट में। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें घी डालेंगे। इसकी खुशबू घी की बहुत अच्छी आती है। और सूजी भुनने का पता कैसे लगे, एक तो खुशबू आनी शुरू हो जाती है और दूसरा उसमें ना, अगर आप एक पिंच खा के देखेंगे तो वो बहुत क्रिस्पी हो जाती है। अब हम सबसे पहले डालेंगे इसमें चना दाल, गैस को धीमा रखेंगे और इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे, साथ ही में हम राई भी डाल देंगे या मस्टर्ड सीड्स। इसके साथ ही हम इसमें एक काजू डाल देंगे, बिल्कुल गैस को धीमा रखना है, हल्का हमें ब्राउन होने देना है दाल को, और इसको हरी मिर्च डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप 2 से 3 डाल सकते हैं, जैसा आप खाते हैं उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, दाल ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें 1 पिंच हींग, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये देखिए कलर चेंज हो गया है दाल का एकदम। इसी समय ना हमें ध्यान रखना है, जलने नहीं देना है, इसी समय हम डालेंगे इसमें प्याज कटा हुआ, और देखिए काजू का कलर चेंज हो गया है, या करी लीव्स डाल देंगे, करी पत्ता, साथ ही में हम ये ग्रेटेड अदरक डाल देंगे, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आने वाली है, आप ना इसको बनाकर देखिएगा। थोड़ा नमक हमने डाल दिया है इस समय, इसको मिक्स करेंगे और प्याज केवल ट्रांसलूसेंट होगी हमारी, हल्की सी बस पकेगी, उसी समय हम इसमें गाजर डाल देंगे। ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, काजू हैं, ये आप बहुत कम बहुत ज्यादा अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, पर आप इस तरह से बनाकर देखिएगा। साथ में डालेंगे हम कॉर्न, आप मेरी तरह ये रवा खिचड़ी बनाकर देखिए, आपको बहुत बहुत यम्मी लगने वाली है। और इसके साथ ही हम डालेंगे ये कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ये देखिए लग रही है ना यम्मी। सब्जियां सौते हो गई हैं, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, एक छोटा टमाटर हमने काट लिया था, उसको डालेंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। अब हम ये ड्राई रोस्ट सूजी इसमें डाल देंगे, ये देखिए अच्छे से मैश हो गया है, टोमेटो अच्छे से पक गया है, अब हम ये सूजी डाल देंगे, ऑलरेडी ये रोस्ट की हुई है। और मैं यहाँ आपको बताऊं, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर आप सूजी पहले से ड्राई रोस्ट करके रख लेंगे ना, एक एयर टाइट डब्बे में भर के रख लीजिए, जैसे ही कोई आता है वैसे ही आप बनाइए, आपके गेस्ट को लगेगा कि इतनी जल्दी आपने इतना टेस्टी ये बनाकर उनको खिला दिया है। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे, अब ये भून गई है, अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी जो मैंने पहले से गर्म करके रख लिया है,
इसको चलाएंगे अच्छे से। ये मैंने 1.5 कप लिया है, आधा कप सूजी है उसमें 1.5 कप पानी है। इस समय ना आप थोड़ा सा ऐसे हाथ पे लेकर देख लें नमक कैसा है, अगर थोड़ा कम लग रहा है, हमें ये थोड़ा कम लगा है, तो इसी समय आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में नमक इसमें नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल धीमा कर लें, ये बहुत बहुत यम्मी लगने वाली है। इस खिचड़ी को आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे बार बार बनाने, हम ये बार बार बनाएंगे। बहुत सॉफ्ट होती है ये, इसको ऐसे हम थोड़ी देर ऐसे फैला के ना, और इसके ऊपर आधा चम्मच घी डालेंगे। और इसको 1 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। और ये देखिए हमने इसको खोल कर देख लिया है कितनी ये सॉफ्ट बनी है, ये खिचड़ी जो है कितनी सॉफ्ट बनी है देखिए, क्योंकि इसमें घी है, ऑयल है, इसमें घी की मात्रा और ऑयल की मात्रा ना बहुत अच्छे से जाती है। आप कंप्लीट घी में बना सकते हैं, आप कंप्लीट ऑयल में बना सकते हैं, पर घी में ये ज्यादा टेस्टी लगती है। देखिए इतनी सॉफ्ट ये बन गई है, देख रहे हैं ना कितनी सॉफ्ट है। आप खाएंगे बनाएंगे तब देखेंगे कि क्या टेस्ट आया है। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए 2 मीडियम साइज के बाउल बनने के बाद ये देखिए ये बच गई है और थोड़ी खिचड़ी, कितने बढ़िया ये निकल के आया देखिए, वाओ लग रही ना यम्मी। देखिए आपको मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कमाल की ये खिचड़ी बनी है। अभी स्टीम है इसके अंदर, आप बनाकर देखेंगे खाएंगे तब आपको पता चलेगा। मैं यहाँ आपको चम्मच से एक बार निकाल के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है ये, देखिए इतनी सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा, जरूर खाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।